मैडम लोग उतरिए ना नीचे, यहाँ बुला रहे तो वहाँ खड़ा है। हाँ भैया आप निकल जाइए उसमें, निकल दिन जो ये केंद्र सरकार है, रसोई हुआ, आपका गैस हुआ, पेट्रोल डीजल का जो दाम में बढ़ोतरी कर रही है, ये सरकार आए दिन गरीबों के पेट पे लात मार रही है, आए दिन हमारे पेट पे लात मार रही है। जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं वो भी महंगाई से त्रस्त है, तो आप सोचिए कि गरीबों का क्या दशा हुआ होगा। खाना बनाना, आप ये समझे कि जब डीजल का दाम बढ़ता है तो सब चीज़ महंगा हो जाता है, डीजल पेट्रोल महंगा होता है, तो डीजल पेट्रोल महंगा हुआ तो सब्जी राशन सब महंगा हो गया, तो खाना लाना भी और गैस महंगा हो गया तो बनाना भी सब मुश्किल हो गया है। मोदी सरकार ऐसी है जिसमें आम जनता त्राही माम कर रही है। ये डीजल पेट्रोल का दाम कम कराने को लेकर के आए थे, है ना, अब की बार मोदी सरकार क्या था, महंगाई की मार, है ना, तो वो सब भूल गए हैं। स्मृति ईरानी जी सो गई हैं, तो उसी सारे लोगों को जगाने के लिए, केंद्र सरकार को उनका वादा याद कराने के लिए, जनता का प्रॉब्लम बताने के लिए आज हम लोग रोड पे हैं। देखिए, जो गैस का दाम बढ़ा है, डेफिनेटली उससे जो सबसे ज़्यादा जिस क्लास को डिफरेंस पड़ने वाला है वो है मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास फैमिलीज़ और बिलो, जो लोग हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, उनको फ़र्क पड़ेगा। तो बेसिकली जिस तरह से वृद्धि हर चीज़ में हो रही है, हर चीज़ के कीमतों में हो रही है, उससे ये साफ इंटेंशन पता चलता है सेंट्रल गवर्नमेंट का कि वो ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस क्लास को सपोर्ट करने वाली सरकार है, और मिडिल क्लास और लोअर क्लास जो है उनके बारे में सोचने वाली सरकार बिल्कुल भी नहीं है। और यही हमारी लड़ाई है, क्योंकि लालू जी की लड़ाई हमेशा से जो मिडिल क्लास है या जो नकारे, जो लोअर तबके के जो लोग रहे हैं उनके लिए वो लड़े हैं, और इसीलिए हम आज ये बढ़ती हुई कीमतों के लिए हमने अपना मोर्चा खोला है, राष्ट्रीय जनता दल ने अपना मोर्चा खोला है। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।